नमस्ते दोस्तों, और आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे घर बैठे थकावट दूर करने के आसान से उपाय। शरीर में थकावट कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि नींद पूरी ना होना, क्षमता से अधिक कार्य करना, बहुत परिश्रम करना, बीमार हो जाना। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से थकावट हो जाती है। ऐसे में ये कुछ आसान से घरेलू नुस्खे अपना कर आप शरीर को स्फूर्ति प्रदान कर सकते हैं। आप अपने नियमित दिनचर्या में कुछ बदलाव करके थकान की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अत्यधिक थकान का सामना करने वाले लोगों के लिए कुछ खाद्य पदार्थ भी वरदान साबित होते हैं। राजमा को कई अच्छे कारणों के लिए एक चमत्कारिक भोजन कहा जाता है। इससे कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं जो थकान से लड़ने में मदद करते हैं। अगर गर्मी के कारण या फिर वर्कआउट के बाद डिहाइड्रेशन और थकान और सुस्ती महसूस हो रही हो तो तरबूज की एक फाक एनर्जी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि शुगर को एनर्जी में बदलने के लिए शरीर को पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। रोज़ाना एक या दो केले खाने से थकान और कमजोरी से निजात मिलती है। खजूर को खाने से शरीर की थकावट दूर हो जाती है। थकावट होने पर पैरों में ग्लिसरीन की मालिश करने से भी लाभ होता है। शरीर में थकान होने पर खैर की छाल का रस बनाकर उसमें हींग डालकर पिए। थकावट दूर करने के लिए एक गिलास गर्म दूध का सेवन करने से भी लाभ होता है। चकोतरे के रस में बराबर मात्रा में नींबू का रस मिलाकर पीने से शरीर की थकावट दूर होती है। लगभग आधा ग्राम से एक ग्राम जटामांसी का चूर्ण सुबह शाम लेने से शरीर की थकावट दूर होती है और शरीर में जोश आता है। इसी प्रकार की आयुर्वेदिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और अन आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें।